हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब परिवार को माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों, आज आपको बहुत यूज़फुल चीज़ लेकर के आई हूँ और बिल्कुल एक भी पैसा खर्चा नहीं, 1% पैसा खर्चा नहीं है फ्रेंड्स। बस मेरे साथ वीडियो अंत तक देखिएगा और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग कर सकते हैं अगर शौक रखते हैं तो। और फ्रेंड्स, जो हम क्या आप सभी फेंक देते हैं वो उससे यूज की चीज़ है ये फ्रेंड्स। तो आप मेरे साथ वीडियो अंत तक देखें। और ये जो अनानास के पौधे हैं, ये मैंने कैसे लगाए, किस तरह से लगाए, कैसे ये जल्दी से डेवलप हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो मेरे साथ अंत तक रहें। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ये जो है, आपने ये देखा, ये अनानास मैंने कैसे रेडी किए हैं फ्रेंड्स। बहुत अच्छी तरीके से मैंने रेडी किए हैं ये एलोवेरा के माध्यम से। एलोवेरा एक ऐसा है कि मरते हुए पौधे को बिल्कुल जान डाल देता है। तो ये फ्रेंड्स, एलोवेरा भी अपने टेरेस या गार्डन या अगल बगल कहीं से एक आध डंडी मिल जाएगी। और ये अनानास है, अगर कहीं फंक्शन पार्टी होती है तो फल वगैरह जब आते हैं तो उसमें अनानास तो बहुत ही ज़रूरी होता है लगा करके। उसमें 100 पीस में रखते हैं, ऊपर बांधते हैं डलिया वगैरह, तो उसमें भी आपने देखा होगा। जूस वाले लोग हैं, जब जूस पीने जाते हैं फ्रेंड्स, तो जूस के लिए भी आपने वहाँ देखा होगा कि ऐसे डस्टबिन में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं से भी जाएँ, अगर हम जब जूस पीते हैं तो वहाँ से भी ला सकते हैं। कहीं पार्टी फंक्शन में है, कहीं किसी के यहाँ है तो वहाँ से भी ला सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स एलोवेरा के माध्यम से, क्योंकि एलोवेरा एक ऐसी चीज़ है, ये देखिए मैंने इसका अंदर से ये जेली निकाल लिया फ्रेंड्स। बहुत अच्छे से जेली इसको बना करके मैं तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जेली के थ्रू अगर ये पानी में मिला करके रखते हैं तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से तैयार होता है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, तो ये मेरे तीन हैं, तो एक में तो दो लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो इसको दो को तो मैं एक को मैं दो कर रही हूँ। ये देखिए, इसमें जॉइंट थे और इनकी बहुत अच्छी से खेती भी होती है। जब आप कहीं घूमने फिरने जाएंगे तो आप खेत वगैरह में देखेंगे तो इनकी खेती भी होती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है बहुत अच्छा एक फल है, बहुत ही अच्छा जूसी फल है, बहुत लाभदायक है फ्रेंड्स। तो अपने टेरिस पर ज़रूर इसको ऐड करें। और देखिए मैं कैसे इसको लगा रही हूँ, इसके नीचे की लीव्स को हटा दे रही हूँ, सारी लीव्स को हटा दूंगी ऐसे नीचे। और अभी मैं दिखाऊंगी किस तरह से इसको, आप पूरा वॉच कीजिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा फ्रेंड्स। देखिए मैंने ये आपको दिखाऊंगी, थोड़े थोड़े रूट्स इसमें दिखते हैं, ये हल्के पुल्के। ये देखिए फ्रेंड्स, और इनको मैंने सारी अंदर से निकाल दिया है। निकालने के बाद में देखिए फ्रेंड्स, निकल आए सारे के सारे, और इनमें नुकीले कांटे भी होते हैं, तो थोड़ा बच्चों से दूर रखें। और जब बड़े बड़े पेड़ हो जाते हैं फ्रेंड्स, तो बहुत ही ज़्यादा आसपास कांटे हो जाते हैं, उनके पतले पतले दिखाई नहीं देते हैं। ये देखिए, कांच की गिलासों में मैंने क्या किया, ये घोल को देखिए इन गिलासों में मैं डाले दे रही हूँ। उससे क्या, रूट्स भी फ्रेंड्स दिखती रहेंगी समय समय पर, और थोड़ी धूप भी लगती रहेगी। यहाँ तो हमारी ब्राइट रोशनी आती है, ब्राइट रोशनी तो हमेशा ही आती है, लेकिन कभी कभी धूप भी हो जाती है। तो इसको फ्रेंड्स देखिए, ऐसे धीरज में इन गिलासों को ऊपर रख दें, और इतना रखें कि जड़ें तक ही रहे, ज़्यादा पानी ना रहे। अगर ज़्यादा पानी रहेगा तो सड़ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ऐसे इनको ऐसे रख दिया। अब इनमें देख लें कि कैसे पानी, इसमें ज़्यादा तो पानी नहीं हो रहा कहीं है। अगर ज़्यादा पानी हो तो निकाल दें फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे इसमें ज़्यादा पानी
दिखा तो मैं निकाल दे रही हूँ उनको, सबको देख देख करके। और बीच में पानी कम भी पड़ जाए तो आप मिला भी सकते हैं, दो चार दस रोज बाद पानी देख लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें भिगो दिया, भिगोने रख दिया। रखने के बाद में मैं शुरू से लेकर के रिपोर्टिंग तक का बताऊंगी कि किस तरह से मैं रिपोर्ट करती हूँ, किस तरह से मैं लगाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बिल्कुल लगा करके तैयार कर दिए हैं। ये देखिए, और ये नीचे से ग्लास में ऐसे देखते रहें पानी कि इसमें रूट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब फ्रेंड्स चलते हैं, टेरिस पर आ गए हैं। टेरिस पर आने के बाद में मैंने पहले से ही गमलों को तैयार करके रख लिया था। जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने अक्सर ज़्यादातर वीडियो में बताती हूँ कि इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह, काउडंग वगैरह बहुत अच्छे से वेल्डन मिट्टी बना लेते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, जो साइड से लगे हुए हैं ये हमारे पिछले साल के हैं, तो इनको भी अब मुझे ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि किसी व्यूअर फ्रेंड ने मेरे कहा था कि अब इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि मिट्टी इसमें कम है। लेकिन हालांकि फ्रेंड्स, इतनी मिट्टी इसमें नहीं कम है क्योंकि मैं समय समय से इनका केयर करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। और ये जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद में साइड से इसमें हल्के हल्के कांटे से दिखते हैं, तो इन थोड़ा बच्चों को थोड़ा इससे दूर रखें। इसको देखिए मैंने गुड़ाई कर दी। गुड़ाई करने के बाद में फ्रेंड्स, अब आपको रूट से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैं लेकर के नीचे से आई और बीच में मैं बीमार बहुत हो गई थी फ्रेंड्स, तो हमारे रूट्स थोड़ा डैमेज जैसे होने लगे। जब आज मैंने देखा तो पहले सोचा कि सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ, इसके बाद दूसरा काम करती हूँ। थोड़ा थोड़ा चलने लगे हैं फ्रेंड्स, कभी बिल्कुल चलना फिरना बंद हो गया था हमारा। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसमें पानी भी कम हो गया तो मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं, ये सब अच्छे से चल जाएंगे। और देखिए कितनी बड़ी बड़े रूट्स इसमें हो गए थे फ्रेंड्स, और देखिए कितने अच्छे से हेल्दी हैं प्लांट अभी ये, क्योंकि एलोवेरा में लगा दिया था ना पानी में, इसलिए और भी हेल्दी रहे। ये देखिए फ्रेंड्स, नीचे नीचे का इसको निकाल दें, निकालने के बाद में फिर इसको तब इसमें ऐसे लगाएं और दबा जरूर दें, क्योंकि जड़ें इनमें हिले डुले नहीं और एयर ना जाने पाए। तो ये फ्रेंड्स ऐसे बिल्कुल जीरो बजट में गार्डनिंग करते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। पैसा तो हर एक कोई डालता ही है। मैं तरह तरह के ऐसे DIY, तरह तरह के मैं ऐसे गार्डनिंग की चीज़ें लेकर के आती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर फ्रेंड, वो ज़रूर कमेंट्स करते हैं कि सच में आप जो है बहुत सस्ते में गार्डनिंग करती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसे इनको कटिंग कर कर के ऐसे निकाल दे रही हूँ। निकालने के बाद में सारे फटाफट मैंने लगा लिए ये। ये देखिए फ्रेंड्स, इनको दबा जरूर दें इनको अच्छे ढंग से। अब ये 9x9 के ग्रो बैग हैं हमारे, तो अच्छे हैं ग्रो बैग ये। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लग करके मेरे तैयार हो गए। अब क्या करें कि अब इसमें पानी अच्छे से भर दें और फिर जब तक इनकी मिट्टी सूख ना जाए तब तक फिर पानी ना डालें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन में घंटी को जाकर के प्रेस कर लें, क्योंकि मैं कोई सा वीडियो अपलोड करूं फ्रेंड्स तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि फ्रेंड्स हमारा ये कैसा गार्डनिंग का आइडिया है, किस तरह का है, क्योंकि मैं बिल्कुल ज़ीरो बजट से करने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स। तो ऐसे पानी भरने के बाद में फिर दोबारा पानी, जब तक क्योंकि अब ठंड का सीज़न है, नवंबर आ गया है फ्रेंड्स, और तो ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इसमें, तो जब तक ये सूख ना जाए तब तक इसमें पानी बिल्कुल ना दें, और ऐसे थोड़े थोड़े आइडियाज लेकर के ऐसे गार्डनिंग करते रहें। और फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखें, आसपास एटमॉस्फेयर साफ़ सुथरा रखें, दोस्तों को
सजेस्ट करें कि वो भी गार्डनिंग करें जो लोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आप लोग भी गार्डनिंग करते रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।